बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, वेलकम टू माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डिस्क्रिप्शंस कैसे ऐड करते हैं और लेआउट का उसका जो लेआउट है वो उसको आप कैसे सही तरह डिज़ाइन करेंगे कि वो इंटरेक्टिव हो आपके व्यूवर्स के लिए। सो इसके लिए जाते हैं, सबसे पहले अपना ब्राउज़र ओपन करते हैं। तो ब्राउज़र में ये आ गया। पिछले लेक्चर में हमने ट्यूटोरियल में हमने आप बनाया था अपना चैनल एक्स वाई जी। सो चैनल का नेम ब्रांड नेम दिया था इसको, अकाउंट को एक्स वाई जी। और अब इसके डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन जो है ये एक इम्पोर्टेंट रोल ऐड करती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, जिसे SEO कहते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में सर्च में ये बहुत ज़्यादा रोल अदा रोल प्ले करती है। मतलब कि हम अपनी अगर वीडियोज़ अपलोड करते हैं तो उसके ऊपर जो हम डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं वो एक इम्पोर्टेंट रोल रखती है SEO में। क्योंकि ये हमारी वीडियोस को रैंक होने में, वीडियो को पॉपुलर होने में के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब हम डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं। डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं कि हम अपने चैनल को, जो हमारा चैनल है जिस भी वीडियो का अबाउट है या फिर हमारा चैनल क्या का वीडियो शेयर करें हम यहाँ पर, उसकी कम्प्लीट डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पर ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हम कम्प्लीट डिस्क्रिप्शन लेट्स गो। यहाँ पर तो हमने कुछ भी नहीं किया, तो यहाँ पर हम वैसे लेते हैं दिस चैनल इज अबाउट, दिस चैनल इज अबाउट एजुकेशन एंड एग्जैक्टा। अब एजुकेशन में आप क्या क्या करा रहे हैं, लेट्स PHP, जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS, Bootstrap, जो जितनी भी लैंग्वेजेज हैं और जो जो भी आप करवा रहे हैं इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड करें यहाँ पर कम्प्लीटली। सो और जो गूगल है, गूगल क्योंकि यूट्यूब जो है गूगल की यही एक प्रोडक्ट है, ये हमें 5000 करेक्टर्स तक अलाउ करता है कि हम अपने डिस्क्रिप्शन में 5000 करेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर डन करते हैं। ओके, तो ये हमारी डिस्क्रिप्शन रेडी होगी। डिस्क्रिप्शन ये है कि जब भी हमारा कोई जो व्यूवर है या हमारा कोई न्यू व्यूवर है या हमारा कोई सब्सक्राइबर है, जब वो हमारे चैनल सर्च करेगा तो हमारा चैनल आएगा। चैनल्स के ऊपर आपकी पिक जो भी आपने लगाई हुई चैनल की, तो उस साथ ही चैनल की डिस्क्रिप्शन भी दी होगी, सब्सक्राइबर कितने हैं आपके, आपके व्यूअर्स कितने हैं और आप इस चैनल्स में क्या क्या करा रहे हैं, या फिर इस कंप्लीट डिस्क्रिप्शन शो करेगा वहाँ पर। सो अब हम आते हैं लेआउट की तरफ कि हम इसका लेआउट कैसे डिज़ाइन करेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पर ये सेटिंग है, तो यहाँ पर सेटिंग क्लिक करते हैं। तो ये यहाँ पर आता है चैनल सेटिंग। ओके, चैनल सेटिंग में सबसे पहले प्राइवेसी सेटिंग। प्राइवेसी सेटिंग में क्या है कि कीप माई ऑल लाइक वीडियोज प्राइवेट, मतलब ये है कि आप अगर आपने ये चैनल ओपन किया हुआ है तो आप YouTube के ऊपर वीडियोस देखेंगे, अगर किसी वीडियो को आप लाइक करते हैं या किसी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या किसी प्लेलिस्ट को सेव करते हैं या सब्सक्राइब प्ले करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि वो जो आपने वीडियोस को लाइक किया है या जिस चैनल को सब्सक्राइब किया है कि आपके जो व्यूवर्स हैं या आपके सब्सक्राइबर हैं आपकी उस लाइक वीडियोज़ और सब्सक्रिप्शन को देखें। तो इसके लिए अगर तो आप चाहते हैं कि वो देखें तो आप इनको अनचेक कर देंगे। ओके, अगर जो आप कहते हैं कि वो ना देखें तो आप इसको रिमेन ऐसे ही रहने देंगे। ओके, इसके बाद कहते हैं कस्टमाइज लेआउट, के जो लेआउट है उसको आप खुद ऐड करना चाहते हैं, मतलब कि अपनी मर्जी से जिस उसमें किसको किस वीडियो को किस सब्सक्रिप्शन को किस प्लेलिस्ट को कहाँ पर ऐड करना है, तो ये ऐसे या फिर बाय डिफ़ॉल्ट जो वीडियो अपलोड किया है वो कैसे आएगी वैसे हो। तो अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हैं तो कस्टमाइज यहाँ क्लिक करें, कस्टमाइज सेव। ओके, यहाँ पे अब आ गया ऐड सेक्शन। अब ऐड सेक्शन किया, ऐड सेक्शन में आ गया कंटेंट सेलेक्ट करना है, मतलब कि यहाँ पर आ गया कि आपकी रिसेंट एक्टिविटीज़, चैनल सब्सक्रिप्शंस, चैनल कस्टम ग्रुपिंग, प्लेलिस्ट, जितनी भी प्लेलिस्ट आपने बनाई हुई है कि आप यहाँ पर चाहते हैं कि मैं एक सिंगल प्लेलिस्ट की जितनी भी वीडियोस हैं उस उन तमाम वीडियोस को यहाँ पर शो करवाना चाहता हूँ, तो आप उस यहाँ पर सिंगल प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे। ओके, अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल प्लेलिस्ट शो करनी है तो मल्टीपल
प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो मल्टीपल जितनी भी आपकी प्लेलिस्ट हैं वो तमाम की तमाम यहाँ पर शो हो जाएंगी। ऐसा मैं करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर उसके डायरेक्शन भी बतानी है कि आपने वर्टिकली करना है उनको शो करना है, उसको एक्सेस पे शो करना है या फिर उसको वाई एक्सेस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। मतलब सबसे पहले अभी तो मैंने कोई नहीं ना बनाया, प्ले लिस्ट नहीं है हमारी, कोई भी वीडियोस नहीं है अपलोड की, इस वजह से नहीं है। यहाँ पर पहले हम प्ले लिस्ट ऐड करेंगे, आई गेस यहाँ पर थोड़ा सा मसला है, सो इसको हम इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में ट्यूटोरियल में कर लेंगे। सो यहाँ पर ये है, और इसके बाद आ जाता है वीडियोज़, मतलब सिंगल्स वीडियोज़ आपने करनी है, क्या है कि आपकी जो पॉपुलर वीडियो है वो आपने करनी है, तो वो तमाम जो है वो यहाँ पर आगे रिसेंटली जो अपलोड की है वो वीडियो है वो वहाँ यहाँ पर आके आप चेक कर लेंगे। ओके सो बस इसमें इतना किया है, तो कोई इतना टफ नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर बस मैं कर देता हूँ रिसेंटली एक्टिविटी। ओके सो डन, अभी तो मेरी कोई भी नहीं है तो वो कोई भी शो नहीं करेगा। तो आई गेस इस में जस्ट इतनी डिस्क्रिप्शन काफ़ी थी, इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम मिलेंगे कि वीडियोस को अपलोड करते हैं तो उसमें कीवर्ड्स कैसे ऐड करने हैं, वो कौन सा कीवर्ड्स बेस्ट रहता है, तो डिस्क्रिप्शंस कैसी होनी चाहिए, तो प्लेलिस्ट कैसे ऐड की जाती है उसमें, तो टाइटल क्या है, टैग्स कैसे लगाते हैं, टैग्स कितने होने चाहिए मैक्सिमम, और टैग्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें तो क्या होता है, तो इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। सो If you likes my tutorials or enjoy you if you enjoy this tutorial, please like and subscribe my channel. Thanks for watching.